जिन लोगों का जन्मदिन 29 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, करियर के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे, धन के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि पैसा तो आएगा लेकिन उसका सही प्रयोग करिएगा। जनवरी से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। आज की जिज्ञासा है कि घर को नजर दोष से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। हम बड़ा सुंदर घर बनवाते हैं, बड़ा बढ़िया घर बनवाते हैं, लेकिन उसमें चैन से रह नहीं पाते। बहुत बार कारण होता है नजर दोष का। क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर लोग भयानक चेहरा राक्षस का, भूत का, काले रंग की मटकी में आंखें बना के लटका देते हैं, तो ये सब नजरौटा और भयानक चेहरा अपने घर पर मत लगाइए। बेहतर होगा कि घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगाइए। चाहिए तो घर के मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाइए और इसको 15-15 दिन में बदल दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर से नजर दोष की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान की उन्नति हो, उसका डेवलपमेंट हो, तो सावन में क्या करेंगे? सावन में किसी भी दिन 3 पौधे लगा दीजिएगा एक ही दिन में। ये 3 पौधे हैं बरगद, पीपल और नीम। आप एक दिन में ये 3 पौधे लगाइए और सावन में ज्यादा से ज्यादा लगाइए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी संतान तो ठीक रहेगी ही, आपके घर के बुजुर्ग लोग भी ठीक तरीके से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप किसी मुकदमे से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई मुकदमा लंबे समय तक आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, तो सावन के महीने में अधिक से अधिक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जितने प्रेम से, जितने भाव से आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, उतनी ही जल्दी मुकदमे से और विवादों से आपको छुटकारा मिल पाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।